एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर थे तो दूसरी तरफ चीन बेचैन था, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था। भारत यूएस के बीच जो समझौते हुए वो चीन को ना तो रास आया और ना ही उसे ट्रंप का भारत दौरा रास आया। चीनी मीडिया ने इसको लेकर काफी कुछ नकारात्मक छापा। चीन की शिनहुआ न्यूज एजेंसी ने इसे वास्तविकता से ज्यादा दिखावा और कुछ भी नहीं के बारे में बहुत कुछ से संबोधित किया। तो वहीं कुछ कथित चीनी विद्वानों की माने तो ट्रंप ने भारत की प्राथमिकता को स्वीकार नहीं किया और ट्रंप ने यह यात्रा अमेरिकी चुनाव की वजह से की ताकि 40 लाख भारतीय मूल के मतदाता कुछ अंतर कर सके। चीन बेचैन हो भी क्यों ना, ट्रंप के इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम डील हुई। इनमें सबसे बड़ी डील डिफेंस से जुड़ी थी। भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन की डील हुई है। इस दौरान भारत अमेरिका पार्टनरशिप के महत्वपूर्ण पहलुओं, डिफेंस, सुरक्षा, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड जैसे सभी मसलों पर चर्चा हुई। अपाचे और रोमियो हेलीकॉप्टर के आहट से ही एक तरफ पाकिस्तान की तो दूसरी तरफ चीन की नींद हराम हो चुकी है। खास बात तो ये है कि चीन को जिस चीज ने सबसे ज्यादा चिंतित किया है वो है भारत अमेरिका की प्रशांत क्षेत्र में रणनीति और ब्लू डॉट इनिशिएटिव। ब्लू डॉट इनिशिएटिव का मकसद सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाना है। इससे पहले ये खबर सामने आ चुकी है कि भारत और अमेरिका जल्द ही अपने व्यापक कारोबारी करार के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि भारत और अमेरिका इस व्यापक कारोबारी करार के पहले चरण के लिए बातचीत भी पूरी कर चुके हैं और इसे जल्द से जल्द इसका अमली जामा पहना दिया जाएगा। साथ ही दोनों देशों ने संपूर्ण समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है। चीनी सरकार ने अपने निजी अखबार ग्लोबल टाइम्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे पर बड़ी चिंता भी जाहिर कर चुका है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों के पीछे चीन को रोकने की कोशिश है। ये दौरा अमेरिका की ओर से नई दिल्ली को दिए जाने वाले सामरिक राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। इसमें चिंता जाहिर की गई है, दोनों देश के बीच रक्षा खरीद में लगातार इजाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।